नमस्ते दोस्तों, आई स्टडी ऑनलाइन में आपका सभी का स्वागत है। तो लास्ट टाइम जहां तक पढ़ा था उसके आगे से स्टार्ट करते हैं आज। तो उसके आगे देखेंगे अपन समुच्चयों का संघ, यूनियन ऑफ सेट्स। तो देखना दोस्तों क्या होता है यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चय का संघ क्या होता है। कि मान लो ए और बी दो कोई समुच्चय है, तब इनका संघ यानी कि ए यूनियन बी होगा, वो होगा या तो सारे अवयव ए में होंगे या बी में होंगे या फिर दोनों में होंगे। कहने का मतलब है ए यूनियन बी जो इन अवयवों का समुच्चय होगा वो या तो ए में होंगे या बी में होंगे या फिर दोनों में। देखना, माना ए तथा बी कोई दो समुच्चय है, तब इनका संघ ए यूनियन बी उन अवयवों का समुच्चय होगा जो या तो ए में है या बी में है या दोनों में है, वो क्या कहलाता है, समुच्चयों का संघ कहलाता है। एक बार दोबारा देखना कि ए यूनियन बी उन अवयवों का समुच्चय होगा जो अवयव या तो आपको समुच्चय ए में मिलेंगे या आपको समुच्चय बी में मिलेंगे या फिर आपको दोनों में मिल सकते हैं, ए और बी में मिल सकते हैं। आपको इस प्रकार से इसको दिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है तो यहां से आप कह सकते हो कि एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। कहने का मतलब है अगर ए यूनियन बी बराबर एक्स है तो एक्स या तो ए में होगा या बी में होगा या ये दोनों में भी हो सकता है किसी केस में। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से देखना, माना ए बराबर ए बी सी आपको दिया हुआ है एंड बी बराबर आपको दिया हुआ है डी ई एफ, तो जो यूनियन होगा ए यूनियन बी वो इन सभी को मिलाकर लिखा जाएगा। तो देखना ए बी सी डी ई एफ, ये क्या होगा, ए यूनियन बी। देख लो इसमें क्या थी डेफिनेशन, कि उन अवयवों का समुच्चय होगा जो या तो ए में होंगे या बी में होंगे या फिर दोनों में। एक एग्जांपल दोनों का देखते हैं कि दोनों में किस प्रकार से होता है ये। एक एग्जांपल देखना, ए बराबर दो तीन चार पांच छह एंड बी बराबर एक तीन चार पांच सात। तो यहां से जो ए यूनियन बी होगा वो इन सारे अवयवों को आपको लेना है, लेकिन कोई भी अवयव इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले देखो एक आ जाएगा, फिर दो, फिर तीन चार पांच छ सात। देख लो ए यूनियन बी में सारे के सारे अवयव आपको मिल जाएंगे जो ए और बी में है। तो समुच्चयों का संघ क्या होता है कि उन अवयवों का समुच्चय जो या तो ए में होंगे या बी में होंगे या फिर दोनों में होंगे। नेक्स्ट इसमें देखना, आप कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखना इंपॉर्टेंट, यदि ए बी तथा सी कोई तीन समुच्चय है तब, तो ध्यान रखना ए सबसेट होगा हमेशा और हमेशा ए यूनियन बी का, तथा बी भी सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का। ये कंडीशन ध्यान रखना कि ए किसका सबसेट होगा, ए यूनियन बी का, क्योंकि ये कहता है कि इसका जो संघ होगा वो उन अवयवों का समुच्चय होगा जो या तो ए में है या बी में है। एग्जाम्पल से देखा था अपन ने, एग्जाम्पल देख सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल, ए बराबर आपको मान लो दिया हुआ है एक दो तीन एंड बी बराबर आपको मान लो दिया हुआ है तीन चार पांच। यहां से ए यूनियन बी बराबर आपको मिलेगा
एक दो तीन चार एंड पांच। तो यहां से देख लो, ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी है एंड बी सबसेट ऑफ क्या है, ए यूनियन बी। सबसेट क्या होता है? उपसमुच्चय। मैंने बताया था कि यदि किसी एक समुच्चय के सारे अवयव आपको दूसरे समुच्चय में मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है? उसका उपसमुच्चय कहलाता है। तो इस कंडीशन से आप कह सकते हो कि ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होगा एंड बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होगा। इसके बाद देखना नेक्स्ट, ए यूनियन ए बराबर हमेशा ए मिलेगा आपको, इसे वर्गसम नियम बोलते हैं। वर्गसम नियम, एक चीज देखना, ए यूनियन फाई बराबर आपको वापस ए मिलेगा, इसको बोलते हैं तत्समक, तत्समक नियम। इसके बाद देखना ए यूनियन यू, यू यहां पर सार्वत्रिक समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट, तो ये क्या मिलेगा आपको? यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा, सार्वत्रिक समुच्चय। एक चीज और देखना, यदि ए सबसेट ऑफ बी है एंड बी सबसेट ऑफ सी है, तब ध्यान रखना ए यूनियन बी सबसेट होगा सी के लिए। और ध्यान रखना इसमें क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, क्रम विनिमय। एक और देखना, साचर्य नियम, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी। ये प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना कि ए सबसेट ऑफ क्या होता है? ए यूनियन बी होता है एंड बी सबसेट ऑफ बी क्या होता है? ए यूनियन बी। ए यूनियन ए बराबर आपको ए मिलेगा, ए यूनियन फाइव बराबर आपको ए मिलेगा, ए यूनियन यू, यू का मतलब यहां सार्वत्रिक समुच्चय है तो वापस क्या मिलेगा? यू मिलेगा। अगर ए सबसेट ऑफ बी है, बी सबसेट ऑफ सी है, तो ए यूनियन बी सबसेट ऑफ क्या होगा? सी होगा। इसी प्रकार क्रम विनिमय नियम और साचर्य नियम। आगे चलते हैं अपन, देखना आगे बात करते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इंटरसेक्शन ऑफ से, तो देखना इंटरसेक्शन क्या होता है? यदि कोई दो समुच्चय आपको दिए हुए, मान लो ए और बी कोई दो समुच्चय आपको दिए हुए हैं, तब इनका सर्वनिष्ठ ए इंटरसेक्शन बी होगा, वो उन अवयवों का समुच्चय होगा जो ए और बी दोनों में है। कहने का मतलब है जो दोनों में कॉमन होगा वही क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी होगा। देखना माना ए तथा बी कोई दो समुच्चय है, तब इनका सर्वनिष्ठ ए इंटरसेक्शन बी उन अवयवों का समुच्चय होगा जो ए तथा बी दोनों में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, दोनों में उभयनिष्ठ हो, वो क्या कहलाता है? समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इसको देखना इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, यदि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी है, कहने का मतलब है x इस ए इंटरसेक्शन बी का क्या है? कोई अवयव है, तब ये x बिलोंग्स टू ए तथा x बिलोंग्स टू बी, ये दोनों में होगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग कर रहा है x, तो ध्यान रखना x ए में भी बिलोंग करेगा और x किस में? बी में भी बिलोंग करेगा। एक एग्जांपल देखना इसका, मान लो आपको a बराबर दिया हुआ है a b c d एंड e, एंड b बराबर आपको दिया हुआ है d e f g h, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? a इंटरसेक्शन b बराबर क्या होगा? a इंटरसेक्शन b का मतलब वो अवयव जो इन दोनों में कॉमन है। तो कॉमन अवयव कौन कौन से हैं? कॉमन अवयव एक तो D है और एक E है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो अपने कौन से अवयव लेने हैं जो कॉमन हो? तो एक तो D और E, ये क्या हो गए? इसमें कॉमन हो गए, और यही क्या होता है A इंटरसेक्शन B।
इसमें भी आप कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसके कुछ नोट देखना, ध्यान रखना। यदि ए बी तथा सी कोई तीन समुच्चय है तब देखना, इसमें नंबर एक, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा ए का भी, तथा ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा इसका बी का भी, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ने क्या कहा है कि ये उन अवयवों का समुच्चय होगा जो ए में भी है और बी में भी है। जब ये सारे अवयव इसमें है और इसके सारे अवयव इसमें भी है तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको इसका उपसमुच्चय अपन बोल सकते हैं। आगे नेक्स्ट देखना, ए यूनियन यू बराबर आपको मिलेगा ए, यहां पर यू क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय, इसको बोलते हैं तत्समक, सॉरी ये होगा यहां इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन यू बराबर ए। नेक्स्ट देखना, ए इंटरसेक्शन फाई बराबर आपको मिलेगा फाई। इसके बाद में आगे देखना, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए, तथा इसको क्रम विनिमय नियम अपन बोलते हैं, क्रम विनिमय। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा, इसको बोलते हैं साचर्य नियम। तो लगभग वही सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज है, कुछ चेंज है, समुच्चयों का संघ और समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। अब आगे बात करते हैं समुच्चयों का, सॉरी असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय, डिसजॉइंट सेट। देखना असंयुक्त समुच्चय क्या होता है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है। मान लेते हैं कोई दो समुच्चय अपने को दिए हुए हैं ए और बी, तब जो ए इनका असंयुक्त होगा, ये असंयुक्त कहलाते हैं यदि इन दोनों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। कहने का मतलब है, देखना, माना ए तथा बी कोई दो समुच्चय है, तब यह आपस में असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं, असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं यदि दोनों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। कहने का मतलब है इनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, इंटरसेक्शन आपको मिलेगा इसका फाई, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई। यदि किन्हीं दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ आपको फाई मिलता है, रिक्त समुच्चय मिलता है, तो वो आपस में क्या कहलाते हैं, असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखना, मान लो ए बराबर आपको दिया हुआ है 3, 4, 5, 6 एंड बी बराबर आपको दिया हुआ है 1, 2, 7 और 8। देखो इसमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा, तब ये क्या कहलाएंगे, असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि यदि किन्हीं अवयवों का इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ आपको फाई मिल रहा है, रिक्त समुच्चय मिल रहा है, तो वो क्या कहलाते हैं, असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। आगे बात करते हैं पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो पूरक समुच्चय क्या होता है, सुनना,
पूरक समुच्चय का मतलब होता है, अपन ने पढ़ा था सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में, यू के बारे में, तो इसका मतलब मान लेते हैं कोई समुच्चय है ए तथा यह उप समुच्चय है किसका, सार्वत्रिक समुच्चय यू का, तब पूरक समुच्चय होगा वो उन अवयवों का समुच्चय होगा जो ए के अवयव नहीं है। देखना इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। माना यू सार्वत्रिक समुच्चय है तथा ए इसका कोई उपसमुच्चय है, तब पूरक समुच्चय, तब पूरक समुच्चय उन अवयवों का समुच्चय होगा जो ए के अवयव नहीं है तथा इसे u माइनस ए या ए डेस या ए ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट से लिखा जाता है। कहने का मतलब है पूरक समुच्चय क्या होगा, यहां से देखना u माइनस ए पूरक समुच्चय क्या होता है कि u में से आपको जो अवयव एक के अवयव निकाल दोगे तो कौन सा बचेगा आपके पास, पूरक समुच्चय बचेगा। एग्जाम्पल से देखना इसको, मान लो u बराबर आपको दिया हुआ है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है एक दो तीन चार डेस डेस अनंत, यू क्या दिया हुआ है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय आपको दिया हुआ है तथा ए मान लो आपको दिया हुआ है एक दो तीन, तो यहां से जो पूरक समुच्चय होगा ए डेस वो क्या होगा, आपको क्या करना है ए डेस क्या होगा, उन अवयवों का समुच्चय होता है पूरक समुच्चय जो ए के अवयव नहीं है। कहने का मतलब इसमें से उन अवयवों को निकालना है जो इस ए में है, तो उन कौन कौन से है एक दो तीन, तो एक दो तीन को निकाल दो, बच जाएंगे क्या चार पांच छह डेस डेस अनंत, ये क्या कहलाता है पूरक समुच्चय कहलाता है। कहने का मतलब है पूरक समुच्चय उन अवयवों का समुच्चय होता है जो ए के अवयव नहीं है। ये क्या है पूरक समुच्चय, देख लो इसमें एक भी अवयव ऐसा नहीं है जो इस ए का अवयव है, क्योंकि तीन दोनों क्या कर दिए निकाल दिए, इसीलिए इसे किससे लिखा जाता है यू माइनस ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको इस प्रकार से इंडिकेट किया जाता है कि एक्स बिलोंग्स टू यू माइनस ए है, तो ध्यान रखना x belongs to u होगा तथा x not belongs to a। आगे बात करते हैं अंतर समुच्चय। अंतर समुच्चय difference of sets, देखना अंतर समुच्चय क्या होता है डिफरेंस ऑफ सेट, तो देखना इसके अंदर मान लेते हैं इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अपन माना ए बराबर आपको दिए हुए हैं एक दो तीन चार पांच छ सात तथा बी बराबर आपको दिया हुआ है दो तीन पांच सात आठ नौ और दस, तो आप मान लेते हैं कोई दो समुच्चय अपने को दिए हुए हैं ए और बी जो इस प्रकार से हैं, तब अंतर समुच्चय ए माइनस बी वो होगा, आपको ए माइनस बी का मतलब उन अवयवों को लिखना है जो इस ए में बी के अवयव आ रहे हैं उनको निकाल देना है, तो इस ए में बी के अवयव कौन कौन से हैं, एक तो दो है तो दो को निकाल दो, तीन को निकाल दो, फिर पांच निकाल दो, सात निकाल दो, अब जो बच गए इस ए में उनको लिखना है, बच गए कौन से एक फिर चार फिर छह, ये क्या होगा a माइनस बी होगा। कहने का मतलब है आपको इस a में से उन अवयवों को निकाल देना है जो इस b में है और बाकी जो बच जाए वो आपको लिखना है। ध्यान रखना a माइनस बी में उन अवयवों को नहीं लिखना है जो इसमें है, सिर्फ इसी के अवयव लिखने हैं। a माइनस बी का मतलब a में से आपको b के अवयव निकालने हैं, तो a में से b के अवयव निकालने के बाद आपके पास क्या बचेंगे एक चार और छह। इसी प्रकार देखना b माइनस ए जब आप निकालते हो समुच्चय का अंतर कर रहे हो आप b माइनस ए, देखना अब आपको b में से उन अवयवों को निकालने हैं जो a में है, तो b में से a वाले अवयव निकाल दो, दो फिर तीन फिर पांच और फिर सात, तो ये अवयव इसमें निकल जाएंगे, जो बच जाएगा वो लिख दो, बचेगा क्या आपके पास आठ
नो डस। ध्यान रखना सेम प्रोसेस रहेगा कि बी में से ए को निकाल दो, फिर जो बच गए बी में वो लिख दो। अब ये तो लिखना है कहीं साथ में, ये वाले मत लिख देना आप कि एक दो तीन ये भी बच रहे हैं, तो ये नहीं लिखना है अपने को। अपने को कौन से लिखने हैं कि बी में से एक को निकालने के बाद जो बी में जो अवयव बचते हैं सिर्फ उन्हीं को लिखने हैं। तो ए माइनस बी बराबर आपके पास क्या बचा, एक चार छह, और बी माइनस ए बराबर क्या मिला आपको, आठ नौ दस। यहां से आप क्या कह सकते हो कि ए माइनस बी नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, बी माइनस ए। तो ये हुआ अंतर समुच्चय। तो देखना दोस्तों, अपन ने जितनी भी इस सेट के टॉपिक में, सेट के जो चैप्टर था उसमें जितनी भी डेफिनेशन थी वो यहां पर सारी क्लियर होती है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसमें करेंगे इसकी कुछ थ्योरम्स जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछी गई है, वो सारी थ्योरम्स इसमें करेंगे जो एग्जाम में अपने को पूछी जाती है। और जो भी आपको कोई डाउट हो, कैसा भी किसी भी प्रकार का डाउट हो, किसी भी क्लास से रिलेटेड कोई डाउट हो, मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई डाउट हो, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और इसके प्रीवियस पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। थैंक यू।